शुरू करते हैं, ठीक है? एक एक न्यूमेरिकल्स देख लो। और बोल लो थोड़ा बेवकूफ, ठीक है? 9 ओम की, इसके अंदर इन्होंने 9 ओम की वोल्टेज दे रखी है और कुछ रेजिस्टेंस बहुत सारे इन्होंने निकाल के रखे हैं, अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तुमसे क्या पूछ रहा, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है? यानी जो 12 ओम में जाएगा वो सब में ही तो वही करंट जाएगा, अलग तो होगा नहीं 12 का। अगर पैरेलल में होता तो अलग होता। सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दिया, V इज इक्वल टू I अपॉन R, मुझे करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये V 9 है, ये सारे प्लस करने के बाद 13.4 आया है। सॉल्व दिस, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? ये लिखा करो, ये वाली लाइन भी लिखा करो कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। तुम्हारे कहते सिर्फ I इज इक्वल टू 0.67 आंसर आ गया है, इस पर क्या मार्क्स कोई तुम्हें दे देगा? कहाँ हवा में आ गया ये, लिख के तो दिखाओगे ना कि ओम्स लॉ से तोड़ के निकाला तुमने उसको, चेक कर लेना, ठीक है? अपना आगे चलो, ये वाला तो क्वेश्चन था ही नहीं। एक तो तुम लोग होमवर्क में भी क्वेश्चन नहीं लिखते हो, इतनी दिक्कत होगी चेक करने में मुझे। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो करने का तरीका कैसा होता है। जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, कह रहा है कि 3 रजिस्टर है, ठीक है? 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। एक तो इस क्लास में जितने लोगों ने किया मैं मान ही नहीं सकती आपने अपने मन से किया, क्योंकि विदाउट सर्किट डायग्राम ये क्वेश्चन समझ से परे। जिसने नहीं किया बहुत अच्छी बात है, यहाँ समझ लो करते कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक है? सबसे पहले एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो और एक को R3 मान लो, ठीक है? देखो कह रहा है कि इन तीनों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आइदर सीरीज और आइदर पैरेलल, दो ही तरीके तो है कनेक्ट करने के हमारे पास। कैसे कनेक्ट करेंगे कि पहले में टोटल रेजिस्टेंस 4 आएगा और फिर जब कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 1 आएगा। जो इजी वाला है वो बताती हूँ। अगर मैं तीनों का सम करूँ तो कितना आ रहा है, 5 + 6 = 11, कोई मैच नहीं कर रहा। लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ 1 आ रहा है, यानी इस वैल्यू से तो बहुत कम आ रही है ना। हो टोटल रेजिस्टेंस सबसे कम कब आती है, किस कनेक्टिविटी में आती है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में। तो हो ना हो 1 देख के ही आपको आइडिया लग चाहिए कि भैया ये तीनों ही पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, ये तीनों ही पैरेलल कनेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे करके। उसके बाद बैटरी से जोड़ दो इनको। विदाउट सर्किट डायग्राम कैसे बना लेते हैं आप लोग, R1 R2 और R3 तीनों ही पैरेलल करके सॉल्व करके देखो, आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि बहुत कम आ रहा है। अब 4 वाले में फंसते हैं कि 11 तो हो नहीं रहा हमारा, हो ना हो कुछ ना कुछ सीरीज में है और कुछ ना कुछ इसमें पैरेलल में। तुम्हें अपना दिमाग चलाना है, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना। ये 2 तो लिखा हुआ है ना, ये 2 लिखा है। R1 को साइड करो, R3 और R6 को पैरेलल में कनेक्ट करो और R2 को सीरीज में करो। ऐसे देखो, सर्किट डायग्राम दिखाती हूँ तुम्हें, कुछ ऐसा। R1 2 है, हमें 4 लाना है। R2 और R3 को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को सॉल्व कर दो LCM लेकर, 2 आ जाएगा। और फिर ये 2 फिर आगे भी आपको बनाना है। ये तो आपका एक मेन डायग्राम हो गया, आपने कनेक्टिविटी दिखाई कि हेयर R1 R2 and R3 आर इन पैरेलल, ठीक है, विथ R1। जब ये दोनों सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखना, ये 2 आ गया सॉल्व करने के बाद, फिर एक सीरीज डायग्राम बनाएगा, वो फिर ऐसे बनेगा, दिस इज R1, ठीक है, और दिस इज R2। अब इसको R2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, प्लस कर दो दोनों सीरीज में। तो जितने बार आप तोड़ोगे उतने बार सर्किट डायग्राम आपको बनाना मस्ट है। बिना सर्किट डायग्राम के तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती मैं कि कैसे सीरीज में लगाया, कैसे पैरेलल में लगाया। इस टाइप के क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग देना, कुछ ना कुछ सीरीज में लगेगा, कुछ ना कुछ पैरेलल में लगेगा, और बहुत कम वैल्यू है तो सारे के सारे पैरेलल में लगा दो, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना अपने हिसाब से तोड़ के। 4 वाला समझा दो, कुछ नहीं किया, देखो 4 है ना, प्लस करने पर तो 11 आ रहा है, यानी हो ना हो सीरीज में तो नहीं कर सकते, यानी कुछ इनमें इन तीनों में से कोई सीरीज में होगा, कोई कोई पैरेलल में होगा। तो इस 2 को मैंने सेपरेट कर लिया क्योंकि मुझे 4 लाना है। मैंने देखा कि 3 और 6 है, इन दोनों को जब मैं पैरेलली कनेक्ट करूँगी तो सॉल्व करने पे 2 आ रहा था। थोड़ा आपको अपना लॉजिकल दिमाग भी लगाना है इसके अंदर कि जब मैंने सॉल्व किया तो ये पूरा कनेक्शन हट जाएगा तो यहाँ तो एक सिंगल लाइन हो जाएगी ना, ऐसे करके यहाँ तो एक सिंगल लाइन हो जाएगी क्योंकि ये तो पूरा टूट गया। टूटने के बाद तो एक ही रेजिस्टेंस आया 2 ओम का, तो लगा दिया। अब ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी 2 है और इसको सॉल्व करने पे भी 2 आया 6 और 3 को, तो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है? इसको सॉल्व करना कॉपी में आप लोग,
नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तीनों के तीनों पैरेलल में लगा दिए इन्होंने और सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन था ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बार बार आते हैं ठीक है। ये लंबे लंबे वाले में जब भी कुछ लेंथी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो इसी टाइप के बनते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर हुज 4 ओम। ये कंडक्टर हो गया और ये लैंप हो गया। इसका रेजिस्टेंस 20 है, इसका रेजिस्टेंस 4 है। जिस वोल्टेज से कनेक्ट है उसमें वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है? 6 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। गिवन लिखते चलते हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग गिवन लिखते चलते हैं, कुछ ऐसा गिवन लिखेंगे इसका ठीक है। लैंप का रेजिस्टेंस इतना है, कंडक्टर का इतना, R1 R2 और पोटेंशियल डिफरेंस। तुमसे कह रहा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है दोनों सीरीज में। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 20 प्लस 4 24 ठीक है। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला लिख रहा है अभी ठीक है। मेरा आंसर आ गया R1 प्लस R2 20 प्लस 4 24। रोक दो। द करेंट थ्रू विच द सर्किट, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर। सीरीज में करंट कैसा होता है? सेम होता है, यानी जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है क्वेश्चन में? 6 है। और R अभी कितना सॉल्व किया टोटल को? 24। तो I तुम्हारा वहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना आया? 0.25। फिर पूछ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड लैम्प। ये तुम्हारा गलत था, सुनो दोनों सीरीज में है। आप एक साथ आप ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालेंगे कि V इज इक्वल टू I इंटू R। I आया 0.25 और R आया आपका 24। ऐसे 24 ही था ना, आप ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक सीरीज कनेक्टिविटी है। सीरीज कनेक्टिविटी में तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर जाता है। यानी इसके अंदर कुछ और, इसके अंदर वोल्ट मीटर लगाऊं तो इसका कुछ और अलग पोटेंशियल आएगा, इसके अंदर वोल्ट मीटर लगाऊं तो इसका कुछ अलग पोटेंशियल आएगा। तो आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आई तो सब में सेम ही होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। एक बार आर आप 4 मान लीजिए फॉर कंडक्टर, एक बार आप 20 मान लीजिए फॉर लैम्प, और आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए ठीक है। करने का कनेक्टिविटी को ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ किस हिसाब से रहा है ठीक है। इसने पहले लैम्प का निकाल दिया, फिर इसका निकाल दिया 0.25। क्लियर है क्यों मैंने अलग अलग कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप लोग पे छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी था शायद ठीक है। तीनों के तीनों पैरेलल में है और इसमें बैटरी की कितनी दे रखी है वोल्टेज? 12 वोल्ट दे रखी है ठीक है, 12 वोल्ट दे रखी है, जो मुझे पहले दिखता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ। इजी है, पहले तीनों के तीनों पैरेलल में सॉल्व कर दो। पैरेलल सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तुम लोग ने आंसर किया इसलिए मैं एक एक करके सॉल्व करके नहीं बता रही। तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्ट कर दिया, 1/R1 + R2 + R3। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर 3 आ गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस तो मेरा आ गया RP = 3। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर पैरेलल में है, करंट सब में चेंज होगा। तो पहले एक बार करंट 5 में निकालोगे I = V/R, फिर 10 में निकालोगे करंट, फिर 30 में निकालोगे करंट, अलग अलग निकालोगे ईच रजिस्टर, फिर टोटल करंट कर दोगे, तीनों का प्लस कर दोगे। ये तो करना है इसमें है क्या? फिर से देख लेते हैं, आ जाओ इंडिविजुअली देखो करंट निकाला गया है सबका, और लास्ट में सबका। पहले देखो I = V सब में सेम है, 12 12 12, बस रेजिस्टेंस चेंज किया। एक बार 5 लिया, एक बार 30 लिया, एक बार 10 लिया, और लास्ट में टोटल करंट तुमसे पूछ रहा है, तीनों को मैंने प्लस कर दिया, 2.4 0.4 1.2, टोटल करंट निकाल दिया ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस 3 नंबर में आते हैं आपके, क्लियर है। और क्या क्वेश्चन था इसके बाद आई थी? ये वाला नहीं था ना, एक और भी तो था मेटल वायर का, एक और इससे पहले छोटे छोटे बताओ ना थोड़े। ये तो सबने कर लिया है मेरे ख्याल से, ये तो आप सबने करा हुआ है। और उस क्वेश्चन को टिक कर लो जो ये वो वाला कराया, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये NCERT का, और ये हर बार आता है, ये 4 आंसर है। इसको बताना है कि करेंगे आप लोग खुद से बताओ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मुझे नहीं पता। करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर, और 220 वोल्ट दिया हुआ है, और बताइए ठीक है। तो ये कह रहा है कि
और सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो 1/RP यही फॉर्मूला होता है ना पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। और एक एक रजिस्टर कितने का है, सब 176 का, 17 सब एक एक रजिस्टर 176 के ही तो हैं। ऐसे मैं कितने बार कनेक्ट करूँगी कि वो कितना करंट कैरी करेगा, 5 एम्पीयर 220 वोल्टेज पे। तो पहले तो मुझे ये टोटल निकालना चाहिए, आरपी कितना होगा टोटल का। कैसे निकालेंगे आरपी, कैसे निकालते हैं, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी कितना है 220 और आई कितना है 5, सॉल्व कर दो कितना आएगा 44, यानी टोटल यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए 44। अब क्या लगा, बस लगा दो एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 1/44 इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन 176। वैल्यू निकाल दो एन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो गया, बस कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मेटल रेजिस्टेंस वाला फिर ट्राई करो, वो फिर छोड़ दिया मैंने। देखो वैसे क्वेश्चंस कम आते हैं इसलिए मैं उतना जोर नहीं दे रही उस पर। आप उस क्वेश्चन में आपको लेंथ दे रखी है 1 मीटर की, बताओ बताओ बताते चलो, 4 ही है, सॉल्व कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 4 ही आएगा, बताते गिवन बताते चलो, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। आप लोग को छोड़ रही, करो इसको फिर से, आर है 26 टेम्परेचर हटाओ, नेक्स्ट 0.3 mm, ठीक है। तुम्हें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, यही फाइंड करना है ना। इसका फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, ये डायमीटर है तो इससे रेडियस नहीं निकाल देंगे आप, 0.3/2 करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी, और मिलीमीटर में, मिलीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा, ऐसे मैं लिख सकती हूँ 0.3 × 10⁻³ करके, बस इसकी वैल्यू पुट करो स्क्वायर करके और आंसर निकालो, सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, ये बता दूंगी तो कैसे होगा, खुद से ट्राई करो। हाँ ये तो डायमीटर ही है, मतलब मैंने डायरेक्ट इसको चाहो तो तुम तोड़ के 0.3/2 करके भी निकाल दो, तो 0.15 करके कुछ ऐसा आएगा, इसको फिर डिवाइड करो 1000 से तो 0.00 करके कुछ ऐसे आएगा, कुछ करके करके फिर सॉल्व करो आगे जैसे सॉल्व करना चाह। मेन आपको यहाँ मेहनत करनी है, बाकी तो फॉर्मूला पुट करके निकाल देना है, कुछ नहीं करना, करो इसको थोड़ा सा ट्राई करो, एक बार करने लगोगे ना, और मिलीमीटर से। अच्छा इसकी आंसर हर जगह सेम नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है, आप लोग तो हर जगह सेम ला लिए 1.84 × 10⁻⁶, किसी का डिफर भी आ सकता है, तो टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। हर जगह इसका आंसर डिफर हो सकता है, तो ये वाला करो आप, कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटेंगे, आपकी कैलकुलेशन सही है। पहले डायमीटर को रेडियस में बदलो और मिलीमीटर को चेंज कर दो मीटर में, उसके बाद बस फॉर्मूला पुट कर दो, ये वाला करके आओगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था उसमें इतने, बताओ गिवन क्या क्या है, लेंथ है इसका एल, ठीक है, एरिया इसका ए है, ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। मैं समझ गई, क्वेश्चन याद आ गया मुझे। केस वन में ये कह रहा है एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, लेंथ एल मानी गई है, एरिया उसका ए माना गया है, कैसे लिखेंगे इसको, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू 4, यही है ना, ऐसा ही है, इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में वायर के साथ कुछ छेड़खानी करी इन्होंने, क्या करा बताओ, आर इज इक्वल टू रो वैसे ही है, एल को इन्होंने लेंथ आधी कर दी वायर की और एरिया उसका डबल कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दो, आर इज इक्वल टू रो एल 2 × 2a, कैसे लिखेंगे इसको, आर इज इक्वल टू बताओ 1/4 और रो एल अपॉन ए, ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ये रो एल अपॉन ए यहाँ देखो क्या है,
रो एल अपॉन है, यहाँ फोर है, तो बस आर आर ये आर टू है बेटा, ये आर टू है, ये सब आर टू रन कर रहा है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस सेकेंड वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है, पहले की तो चार दी ही हुई है, ये आर वन है, तो आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर और इन टू आर वन, तो वन अपॉन फोर इन टू फोर, ये तो कट गया वन आ गया, तो आर टू दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है वन ओम, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस सब कुछ लेंथ नॉर्मल थी, एरिया नॉर्मल था, दूसरे में उसको आधा कर दिया, एरिया डबल कर दिया, तो बस उसके बाद वैल्यू पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया, सिंपल सा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप केसेस लेके उसको रन करोगे, केस वन में इतना है, केस टू में इतना है, सारे क्वेश्चन हो गए ठीक है। वो 176 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर बार आता है वो क्वेश्चन ठीक है, बाकी वो तीन नंबर में वैसे वैसे क्वेश्चन, मेटल रेजिस्टिविटी पर टेंशन नहीं लेना, थोड़ा रेयर होता है क्योंकि ये लेंथी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो बोर्ड में मुश्किल से आते हैं, प्री बोर्ड में आ सकते हैं। क्या पढ़ना था, सीरीज पैरेलल पढ़ लिया था ठीक है। अच्छा सुनो, हमारे जो घर की कनेक्टिविटी होती है ना, हम जो अपने घर में नॉर्मल जो भी अप्लाइंसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, गीज़र है, टोस्टर है, ये सारे जो कनेक्टिविटी होती है वो हमेशा कैसी होती है पता है आप लोग को, वो हमेशा पैरेलल रेजिस्टेंस में होता है। कैसा होता है बेटा, हमेशा पैरेलल, कभी भी हम अपने घरों की कनेक्टिविटी सीरीज़ में नहीं रखते हैं, कभी भी हम अपने घरों की कनेक्टिविटी सीरीज़ में नहीं रखते हैं। रीज़न सोचिए सुनो, अगर मैंने सीरीज़ में कोई चीज़, मान लो सपोज़ ये मेरा फ्रिज है, ये टीवी का रेजिस्टेंस है, ये वॉशिंग मशीन का हो गया, ये मेरे एसी का हो गया, इसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ऐसे रफली मान लो ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, यहाँ से करंट चला, कुछ आके यहाँ दिक्कत हो गई या उड़ गया, कुछ ब्रेक हो गया सर्किट, अब आगे क्या करंट जाएगा, तो मेरे कहीं एक ब्रेक होने से, कुछ एक वायर में प्रॉब्लम होने से मेरे आगे के तीनों अप्लायंसेस रुक गए वो काम करना, तो सीरीज़ में इसलिए नहीं कनेक्ट करते कि एक रुका तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, पूरा घर की लाइट चली जाएगी आपकी। दिवाली वाले वो देखें जो लाइटनिंग लगाते हैं हम दिवाली पे, उसका एक बल्ब ख़राब होता है तो धीरे 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 सब खराब हो जाते हैं क्योंकि वो सीरीज़ कनेक्टिविटी, क्रिसमस में जो वो सजाते हैं ट्री पे, वो सब सीरीज़ कनेक्टिविटी के होते हैं, छोटे छोटे बल्ब्स, अगर एक ख़राब हो तो सारे ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए सीरीज़ में नहीं लगाते। दूसरा, सीरीज़ कनेक्शन में हमें कोई इंडिविजुअल स्विच नहीं मिलता, जैसे इस रूम में इस पंखे का अलग स्विच है, कैमरे का अलग स्विच है, बोर्ड का अलग स्विच है, सीरीज़ में अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक सिंगल आपको स्विच दे दिया जाएगा, अब आपको इंडिपेंडेंटली ऑन करना है, मैं उस रूम में हूँ, उस रूम की लाइट की ज़रूरत नहीं है तो बंद ही करूँगी ना उसको, बिजली का बिल बचाने के लिए। सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो कैसे बंद कर पाओगे, सारे एक ही स्विच है, एक बंद करोगे पूरे घर की लाइट चली जाएगी, तो दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट सही से करंट ही नहीं मिलेगा, सही प्रॉपर अमाउंट का घर में करंट ही नहीं आएगा। दूसरा, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, हमें चाहिए घर के नॉर्मल अप्लाइंसेस 220-240 वोल्ट पर रन करते हैं, एसी वगैरह तुम देखोगे स्टेबलाइजर पे 220-230 बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, उस पर ही अच्छे से वर्क करें। अब मान लो मेरे एसी को अकेले चाहिए 220, सीरीज़ तो डिवाइड कर देगा सारे वोल्टेज को, तो कहाँ से कोई अप्लाइंस ठीक से वर्क करेगा, तो सीरीज़ के ये डिसएडवांटेज है। एग्जाम में पूछेगा राइट द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन इन हाउस होल्ड, तो मैं सब लिखवा दूंगी जो मैंने अभी तीन चार इजी लैंग्वेज में समझाए हैं, आप समझ लीजिए, लिखना आपके ऊपर है, लिखवा वैसे मैं दूंगी। पैरेलल के फायदे, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, एक मान लो ये सारे मेरे टीवी ऐसे कनेक्ट है, फ्रिज वैसे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है, सब में अलग अलग करंट जा रहा है, कोई एक खराब हो तो दूसरा तो वर्किंग है, वो करंट ऊपर तो चले जाएगा, तो बाकी अप्लायंसेस बच जाएंगे। दूसरा, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम ही जाएगा, 220 वोल्ट का ही जाएगा, 220 से 240 डिफर करता है घरों में, ये सेम जाएगा, सबको जितना चाहिए उतना सबको मिल जाएगा। प्लस पैरेलल कनेक्शन में सबके इंडिविजुअल स्विच होते हैं, जैसे घरों में होता है बल्ब के लिए अलग, फैन के लिए अलग, सबके लिए इंडिविजुअल स्विच हो जाएगा ठीक है। तो हेडिंग डालिए इन हाउस होल्ड पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड, इन हाउस होल्ड पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड। ये चैप्टर एक और क्लास का है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, अभी न्यूमेरिकल बचे हैं चैप्टर के। इन हाउस होल्ड पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड, लिखवाती हूँ ठीक है। हेडिंग डालिए एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा ये सब
एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. तुम लोग को न्यूमेरिकल समझ में आ गया? बाकी का एक बार घर पे, जिन्होंने भी टेपा है गूगल से, फिर से एक बार घर पे देखो कैसे करना है चीजों को मेरे समझाने के बाद. ठीक है, लिखिए. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेज, देन ऑल अदर अप्लायंसेज कीप वर्किंग नॉर्मली, देन ऑल अदर अप्लायंसेज कीप वर्किंग नॉर्मली, डन. बताइए, डन. ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेज कीप वर्किंग नॉर्मली. एक खराब हो तो बाकी सब नॉर्मल वर्क करते रहते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलू. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच, हैज इट्स अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ सेपरेटली, ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ सेपरेटली. फिर से रिपीट कर रही हूँ. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ सेपरेटली. सबके अलग अलग स्विच होंगे, आप सेपरेटली उसको वर्क कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट बोलूँ. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई, as that of the power supply. Due to this, as that of the power supply, as that of the power supply. Due to this, each resistance work properly. Due to this, each resistance work properly. सब अच्छे से work करेंगे. ठीक है, सबको एक equal voltage मिलेगा. लास्ट बोलूं, लास्ट पॉइंट. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट is reduced, the overall resistance of the electric circuit is reduced due to which battery supply more current, due to which battery supply more current. फिर से repeat करती हूँ. In the parallel combination the overall resistance of the electric circuit is reduced due to which battery supply more current. These all are the advantages of parallel combination. Next, disadvantages of series combination. ये दोनों ही बहुत important है. ठीक है, disadvantages of series combination. पास कर दो.
बोलू इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर अप्लायंसेज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग. If one electrical appliance stop working due to some defect, then other appliances also stop working. Then other appliances also stop working. Done. Second point. In series combination, all the electrical appliances, in series combination, all the electrical appliances have only one switch. Have only one switch, due to which they cannot be turned on and turned off separately. They cannot be turned on and turned off separately. Done. बताइए, ठीक है? Next लिखिए, third point. बोलूं? In series combination. All electrical appliances, in series combination, all electrical appliances do not get same potential difference, या do not get same voltage, ये लिखिए. In series combination, all electrical appliances do not get same voltage as that of power supply. Same voltage. As that of the power supply, so appliances do not work properly. Do not get same voltage as that of power supply, so all appliances do not work properly. Done. Last point. In series combination, the overall resistance of the circuit, in series combination, the overall resistance of the circuit increases too much. The overall resistance of this circuit increases too much, due to which increases too much, due to which current supply reduces, due to which current supply reduces. यहाँ तक ठीक है तुम लोग को? पैरेलल के एडवांटेजेस और सीरीज के डिसएडवांटेजेस प्लीज अच्छे से देख के जाना. हर क्वेश्चन के साथ ना लेंथी वाले पार्ट में ये जरूर ऐड होता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल या डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो चारों पॉइंट इतना लेंथी मत करना, अपने लैंग्वेज में सिंपल. डू नॉट हैव इंडिविजुअल स्विच, इफ वन अप्लाइज स्टॉप वर्किंग अदर ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, छोटी छोटी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो लास्ट पार्ट चढ़ते हैं चैप्टर के. एक क्लास का ये चैप्टर और है, उसमें मुझे पावर के न्यूमेरिकल्स कराने हैं और सीरीज पैरेलल के. कितने फॉर्मूले लिख लिए थे अभी तक हम लोगों ने? बहुत सारे हो गए होंगे मेरे ख्याल से अभी तो.
सुनो मैं समझाती हूँ इसको, लिखना मत अभी, इतनी लेट क्या हो गया? पूरी क्लास कहीं जगह देखो, कहीं बैठाओ भैया इसको, सब तो बैठे पड़े हैं। वेट, शुरू करें। कंफर्टेबल? ठीक है, ठीक है, चलो देखो अब क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ। सुनो, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं ना, इसके साथ कुछ तीन चीजें ऐड ऑन है। आपने देखा होगा जब बहुत देर तक आप कोई चीज यूज करते हो वो हीट अप होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, आप बहुत देर तक यूज़ करोगे वो हीट अप होगा, यानी करंट के साथ कुछ हीटिंग इफेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके साथ बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स के, कि जब करंट चलता है तो कुछ ना कुछ वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो आपको ये वाला तो फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है फिजिक्स का, ये अभी पढ़ना है कि जब करंट चल रहा है किसी सर्किट में या किसी अप्लाइंसेस में तो वो हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, किस साइंटिस्ट ने उसको दिया और क्या उसकी डेफिनेशन है। चला लो व्हाट्सएप, चला लो। कौन चला रहा है व्हाट्सएप? तुम चला रहे हो? देखिए हेडिंग डालिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स, हाँ उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ हीटिंग। हाँ नाइन्थ वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। क्या क्या था नाइन्थ में जूल्स बताइए, नाइन्थ का याद है इतना तो। सुनो, समझ लो, इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल फॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने बोला कि जब, इधर देखो ध्यान से, दृष्टि बात मत करो, जब किसी कंडक्टर में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जब कोई चीज़ मूव करती है कंडक्टर में, तो कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली जब करंट चालू रहता है तो जो काइनेटिक एनर्जी उनके मूवमेंट से प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही, वो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉयड तो हो नहीं सकती। वही काइनेटिक एनर्जी अपने आप को किस में चेंज कर लेगी? हीट एनर्जी में चेंज कर लेगी। क्लियर है कैसे हीट की बात आ गई? क्योंकि वो सारे एटम्स तो छोड़ो, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो वो उसने अपने आप को चेंज कर लिया हीट एनर्जी में, तभी वो अप्लाइंसेस आपका गर्म हो जाता है। तो जूल साइंटिस्ट ने ये बोला कि किसी कंडक्टर में, ये तो इन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म बोल दिया, इसको फिर उन्होंने लॉ दिया। लॉ क्या दिया मैं दिख समझाती हूँ, लॉ इसका सॉल्व मत देखना इक्वेशन, मैं अलग तरीके से कराऊंगी, इसका थोड़ा बोरिंग लगता है मुझे।
हाँ डेरिवेशन है बट इसका इनका नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला किसी रेजिस्टर में अगर करंट जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, दूसरा वाला घटेगा तो वो भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तीन चीज़ों के, स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि करंट है, ये करंट का स्क्वायर है। अब ये कैसे आया, ये 11th का पहला ही चैप्टर है यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस, वहाँ जाके पढ़ोगे किसी के ऊपर स्क्वायर या क्यूब आ जाता है तो वो कैसे आ जाता है। यहाँ आपको ये जानना है वो करंट, वो वाला करंट नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ करंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। दूसरा मैं लिखते चलती हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। जैसे देखो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, बहुत ज़्यादा टकराव होगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा टकराव से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा टकराएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बहुत देर तक तुम किसी अप्लाइंसेस को चला लो, बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड तक, तो उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। स्क्वायर का अभी आप सिर्फ स्क्वायर ऑफ द करंट समझ रहे, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, वो पढ़ाना 10th का तो है ही नहीं, वो 11th में शुरू होता है कि किसी के ऊपर, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू, वहाँ भी डाउट आएगा, जी कैपिटल M स्मॉल M अपॉन R स्क्वायर। अब ये भी डायमेंशनल एनालिसिस पे होता है, कैसे किसी चीज़ का हम स्क्वायर कैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब उसका पार्ट है, आपको बस इतना थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है कि जूस लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द करंट एंड टाइम पीरियड थ्रू विच इट फ्लोज। क्लियर है, इसका डेरिवेशन है, पहले इतना लिखो फिर डेरिवेशन कराती हूँ। इतना लिखो इसको, चले आगे बढ़े। दस मिनट बाद जूस लॉ करा दो, इसका एप्लीकेशन करा दो, फिर पावर पढ़ाना बचेगा बस। जूस जूल चलने दो, ठीक है। देखो ये तो इसका थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया, अगर आएगा डिफाइन जूल लॉ ऑफ हीटिंग या जूस लॉ ऑफ हीटिंग जो तुम लोग बोल लो वो ऐसे लिख देना, लेकिन इसका फिक्स फॉर्मूला, इसके बाद इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, एच स्टैंड फॉर हीट, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम पीरियड। ऐसे तो सिंबल बनाते नहीं है हम वो पॉप कॉन्स्टेंट को हटाते हैं, तो इसको उन्होंने हटा के कोई के नाम का कॉन्स्टेंट लग दिया, आई आर इंटू टी, और के की वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली। फिर उन्होंने जाना के नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है ऐसा, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनाया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। This is the equation for जूस लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। डेरीवेशन नहीं है ये, बस फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, डेरीवेशन तो अभी ये कहाँ से आया ये आगे पढ़ेंगे। तो ये लिखिए आप पहले, ऊपर के समझने के लिए थी ये नीचे ये, इसमें क्या दिक्कत है। जो पढ़ना है वो पढ़ो ना, गलत जगह क्यों दिमाग लगा रहे हो। सिर्फ थर्ड वाली लाइन कॉपी कीजिए, चलो आगे बढ़ो।
क्या चाहिए तुम्हें? लात, जूते? ठीक है, इसका डेरिवेशन देखो। ठीक है, डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका? मुझे डिराइव क्या करना है यहाँ पे, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी, मुझे ये डिराइव करना है। ठीक है, v इज इक्वल टू आई इन टू आर, ओम्स लॉ से निकाल, पहले ये ओम्स लॉ से पढ़ा है हमने। अच्छा, करंट का अपना फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू v अपॉन आर, घंटा धार है तुम लोग का तो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है भाई, हो क्या यार तुम लोग एकदम ही नहीं पढ़ के आते क्या तुम लोग? फिजिक्स की क्लास पढ़ के नहीं आते यार, सिर्फ कथा सुनते हो बस। लूंगी इसका टेस्ट, लाया मैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो बताना तुम लोग, जैसे बोर्ड में आता वैसे ही टेस्ट लूंगी इसका, टेंशन नहीं लो। ठीक है, कुछ नहीं करो, अपना काम करो यार, अपना काम करो। ठीक है, यहाँ ये हमारी मेन इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, ये टू और थर्ड की वैल्यू वन में पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं। इस ये जो v है इसकी इसकी जगह w अपॉन q लिख सकती हूँ, तो w अपॉन q इज इक्वल टू i की जगह q अपॉन t लिख सकती हूँ, q अपॉन t और इंटू r, इसको इको यहाँ भेज दूँ, इस q को मैं यहाँ भेज दूँ, तो w इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन t इंटू r, ऐसा लिख सकती हूँ। इसको तोड़ के लिखते w इज इक्वल टू q इंटू q, ठीक है, और क्या किया तुम्हारा, अरे रुक जाओ इसको थोड़ा इरेज करने दो, यहाँ नहीं, ये क्यों नहीं लिखना है मुझे। ठीक है, अब मुझे इतने यहाँ तक क्लियर है, क्यू अपॉन टी, फिर एक और फॉर्मूला यहाँ से देखो, क्यू अगर मुझे इसमें आई आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी लिख सकती हूँ, फिर यहाँ चेंज करो, इस क्यू की जगह सिर्फ मैं इस क्यू की जगह सिर्फ मैं आई टी लिख सकती हूँ, ये स्क्वायर पूरा कर दूँ इसको, फिर अपॉन में टी और इंटू आर लिख दूँ। यहाँ मैंने क्यू की वैल्यू नीचे जाके चेंज कर दी, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में आंसर लाना था। ठीक है, अब इसको तोड़ लो, बस है क्या, आई क्या है, उसके बाद टी, एक और नीचे टी है, एक टी से एक टी कट गया, और इंटू आर, और ये स्क्वायर है, ये उसका वो स्क्वायर वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, ये वर्क डन ही कभी ना कभी जाके किस में चेंज हो जाएगा, हीट में चेंज हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, एक टी से एक टी कटा, तो सिर्फ आर इंटू टी, ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या टी इंटू आर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बना लो इसको, कर लो, डेरिवेशन थोड़ा कम आता है इसका, बट कर लो। यहाँ तुम लोग स्क्वायर लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने वो डायरेक्ट काट दिया, आप इसको आई स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से एक टी से एक टी कट गया, फिर डायरेक्ट लिख दिया मैंने उसको। एक बार देख लेना इसका डेरिवेशन, थोड़ा कम आता है थ्योरी फॉर्म में ये। और वो लिख देना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन वन, उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से कर लेना। थोड़ा सा और बच गया सिलेबस, फिर खत्म करेंगे हम लोग।
दृष्टि हो गया, ठीक है, रब कर दो इसको। तो मेन आपको यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टू टी, ठीक है। हेडिंग डाले एप्लीकेशन ऑफ जूल लॉ ऑफ फिटिंग, इसने भी तो डायरेक्ट किया ही हुआ है। जूल लॉ ऑफ फिटिंग, सुनो तुम्हें बेटा तीन जगह इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। पहला पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है फ्यूज में, और तीसरा आपको पढ़ना है किसी हीटिंग एलिमेंट में, किसी हीटिंग एलिमेंट में। तो पहला डालिए हेडिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। पहला डालिए आप इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। एक्चुअली बल्ब में ना ये एक फिलामेंट है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक फिलामेंट है जो किस मटेरियल का बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है। इसका सिंबल होता है W इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। टंगस्टन एक नेचुरल मेटल है, सिंथेटिक नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। जिस वहाँ लगाने का रीज़न क्या है बल्ब में, सिर्फ एक रीज़न से लगाया गया है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब ये हीट कैसी प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। जब वो फिलामेंट बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इतनी एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने लगता है कि एक टाइम बाद वो फिलामेंट ग्लो करने लगता है। उसके इसी हीटिंग इफेक्ट से हमें ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलता है, हीट की वजह से वो ग्लो करने लगता है बल्ब, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका प्लस पॉइंट क्या है टंगस्टन का, कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट मेटलों में सबसे हाई है। इतना ज़्यादा हीट करने के बाद भी वो पिघलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वैसा जुड़ा है वो टूट जाएगा। उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 3380, जो कि एक नेचुरल मेटल में सबसे ज़्यादा है। आर्टिफिशियल और भी होंगे बट नेचुरली में ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो रीज़न क्या है टंगस्टन यूज़ करने का, कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। बाकी केमिकली इनएक्टिव गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन, ये सब तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालिए फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब डालिए, फिर लिखिएगा व्हाई फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। तो ये इसके दो आंसर्स हो गए, छोटे छोटे हैं इसके एप्लीकेशंस, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, दो पॉइंट ये लिखना ना, फिर लिखना इट डज नॉट, ये भी ऐड कर लेना, ये वाला लाइन भी। थर्ड पॉइंट में लिखना इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजली, जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा ये, ठीक है। डज नॉट ऑक्सीडाइज इजली, तीन रीज़न इसके ले दो। आगे चले, ठीक है, ये क्लियर है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का टंगस्टन का क्यों बना होता है, तो आप लोग इसका आंसर देख लेना, ठीक है। ये तीन पॉइंट इसके लिख देना, स्किप करूँ, ठीक है। फ्यूज़ देखो, अभी हीटिंग एलिमेंट बाद में पढ़ाऊँगी, थोड़ा स्किप करना, तो इतनी की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें दी हुई हैं। मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। घर में ना जहाँ सारे MCV लगी होती है ना, जहाँ घर पे, वहाँ इस टाइप का एक फ्यूज़ बॉक्स अटैच होता है, ठीक है। फ्यूज़ का काम क्या होता है, सपोज़ यहाँ से मेन सप्लाई का वो है, जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस या जो भी वोल्टेज वो दे रहा है। फ्यूज़ का काम क्या है, ये जो फ्यूज़ वायर बनी है, ये बनी है कॉपर और निकल की एलॉय की, कॉपर निकल एलॉय का बना होता है ये फ्यूज़ वायर। इस यहाँ फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है,
लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर घर के अकॉर्डिंग टू जितना हमारा हाउस होल्ड का वोल्टेज है 220 से 240 का, उस बीच आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू करंट पास हो जाएगा और ये अपने थ्रू आगे अप्लायंसेज जुड़, इसके थ्रू सारे अप्लायंसेज जुड़े होते हैं घर में। फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे घर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है MCV का। क्या करता है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, तो ये कॉपर निकल की जो ऐसे वायर लगी रहती है ये ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इतना झेल नहीं पाएगा वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, ये ब्रेक हो जाएगा तो फर्दर जैसे ये यहाँ से टूट गया तो फर्दर आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, ये आगे जाने नहीं देगा। तो आगे आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस के बॉक्स लगे होंगे AC का, TV का, फ्रिज का, वो सब आपका सेफ हो जाएगा। तो एक तरीके से फ्यूज का काम क्या है, ओवरलोडिंग से बचा रहा है। एक वर्ड आता है ओवरलोडिंग, देखो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट अलग होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओवरलोडिंग से प्रिवेंट करता है फ्यूज वायर, ठीक है। क्या इसकी खासियत है, क्योंकि ये कॉपर निकल का अलॉय है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, लिखवा दूँ इसको, लिखिए, लिखवा रही हूँ, रुक जाओ। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट, लिख लीजिए। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन है उसका। ये भी लिखा था मेड अप ऑफ कॉपर निकल अलॉय विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, मेड अप ऑफ, ये लाइन लिखने के बाद जरूर लिख लेना, कॉपर निकल अलॉय का बना हुआ है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ये वाली पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट में लिखोगे मेड अप ऑफ कॉपर निकल अलॉय विच हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है, फ्यूज वायर का पूरा डिटेलिंग है उसमें भी, यहाँ बस एक लाइन लिख लो इतना काफी है। नेक्स्ट चले लास्ट हीटिंग, फिर ब्रेक दूंगी 10 मिनट का, उसके बाद आगे का टॉपिक पावर है और फिर कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी के, थोड़ा सा और है। ठीक है, सुनो, हीटिंग एलिमेंट है नेक्स्ट, डाल लीजिए हीटिंग एलिमेंट। घरों में ऐसे ना आपने कॉयल्स देखी होंगी ऐसे करके ना, ये कॉयल्स लगी होती है इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में, गीजर वगैरह में, टोस्टर वगैरह में, ये कॉयल्स लगी होती है, ठीक है। ये कॉयल जिस चीज़ की बनी होती है उसका नाम होता है नाइक्रोम वायर, ठीक है। ये हीटिंग एलिमेंट सारे टोस्टर में, गीजर में, केटल में, सारे चीज़ों में ये कॉयल लगी होती है, जिस जो किसकी बनी है, नाइक्रोम वायर की बनी है। बस यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है कि ये नाइक्रोम की क्यों बनाते हैं, वही 3 पॉइंट जो आपने टंगस्टन का पढ़ा है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और जल्दी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पावर, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक पावर। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक और डेफिनेशन लिखो इसकी, और इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, और करके लिखना, दूसरी डेफिनेशन भी है, और इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच, पावर इज द रेट
एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, और एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट जूल हो गई अब, वॉट। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। डिफाइन वन वॉट, फटाफट करो पहले। When 1 joule of work is done in 1 second, the power is said to be 1 watt. ठीक है, लिखो पहले 1 watt power define करो यहाँ से। इसका भी derivation है, power के तीन अलग formula और हैं। Wednesday आप लोग का test है science का? Wednesday ना? कल next Tuesday, अच्छा Tuesday होता है, ठीक है। Tuesday's test है। लाइट पूरा दे रही हूँ, और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस आपका आ रहा है, उसमें है कि एसिड है और लास्ट का है वो है रिटन पोर्शन है। ओके चलो, पावर के तीन फॉर्मूले देखते हैं, आ जाओ। रब करूं, ये तो पावर का वो फॉर्मूला है जो हमने नाइन्थ क्लास से पढ़ के आए थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे वो पावर नहीं पढ़ रहे, हम तो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन का अगर ये वाला तो याद है ना, W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट W इज इक्वल टू वी क्यू लिख रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ले आओ, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन वन, मान लो W इज इक्वल टू वी क्यू। अब इस W की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, पावर इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, ठीक है। कहीं ये देखा लग रहा है क्यू अपॉन टी, आई पावर का फॉर्मूला क्या आया, पहला पी इज इक्वल टू वी वी आई, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ पावर जो आप इस चैप्टर में यूज करोगे, ये मेन फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है पावर का। अब इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और डिराइव कर रही हूँ, देखो पी इज इक्वल टू वी आई, बहुत इजी है। करने का तरीका क्या करते हैं, एक बार V की वैल्यू लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, एक बार I की वैल्यू लगाएंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। आ जाओ वैल्यू पुट करो, P इज इक्वल टू V की जगह I R फिर I, ठीक है, लिख सकती हूँ ना ऐसे, तो ये इसको पूरा कैसे कैसे लिख सकती हूँ, I स्क्वायर इंटू R, ये आ गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। यहाँ भी वही करो, P इज इक्वल टू V का ऐसे ही लिखो इंटू आई की जगह V अपॉन R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये आ गया पावर का तीसरा फॉर्मूला। पावर के तीन फॉर्मूले हैं, तीनों के डेरिवेशंस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हर फॉर्मूला यूज होगा, वो तुम लोग न्यूमेरिकल लगाना सीखोगे तो पता चलेगा कैसे कैसे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। लिख लो, ये मेन फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, इस फॉर्मूले से डिराइव किया ये दो फॉर्मूला हो रहा है, डेरिवेशन है पावर का, लिख लीजिए। छोटी सी एक और टॉपिक बचा है बस, उसके बाद चैप्टर ये खत्म है।
चले आगे। लास्ट लास्ट सिर्फ न्यूमेरिकल्स की होगी, ठीक है। पावर पहले पहले सीरीज पैरेलल के करा दूंगी कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद ये पावर पे करा दूंगी, पावर्स और जूस लॉ पे कैसे करते हैं। अब अच्छा खासे अब पहुंच गए होंगे इक्वेशंस आप लोग की 10 के अराउंड, अब तो इतने सारे ले दे के पहुंच ही गए होंगे, ठीक है। आगे चले, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक और, अभी हमने जस्ट पावर पढ़ा है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये 9th वाला है, ठीक है। वर्क डन और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है ऐसा मानते हैं, तो मैं इसकी जगह, इस वाले वर्क डन की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकती कि नहीं लिख सकती, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला क्या आया, ई अपॉन टी, लिख सकती ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा इसको इरेज करती हूँ, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, डायरेक्ट यहाँ भी वही लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, तो एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी, यहाँ से एनर्जी निकालना होगा तो ई इज इक्वल टू पी इन टू टी, यहाँ से एनर्जी का आ गया फॉर्मूला आपको, एनर्जी कंज्यूम, ये एनर्जी वही एनर्जी है जूल लॉ वाली आपकी, कोई अलग चीज़ नहीं है, वो भी तो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, तो ऐसा मत कंफ्यूज होना कि ये कोई अलग एनर्जी है, वही जूल लॉ वाली ही एनर्जी है। चाहो तो मैं इसको ऐसे प्रूफ भी कर सकती हूँ, देखो पावर के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आर, और पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ अगर तुम चाहो तो वैल्यू पुट करो, P इज इक्वल टू पहले में वी आई टी, ये एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ पावर, देखो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं, पावर की जगह वी आई और टी कर दिया, एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले निकल रहे हैं, देखो फिर दूसरा करो, पावर की जगह आई स्क्वायर आर टी, ये कहीं देखा लग रहा है आपको, जूल ऑफ हीटिंग वाला, तो ये वही एनर्जी है, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और चाहो तो लिख सकती हूँ, थर्ड वाला लगा दो, तो E इज इक्वल टू पावर की जगह क्या लिखूँ, V स्क्वायर R और उधर क्या है T, तो एनर्जी के भी आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। चाहो तो ये तीनों भी ऐसे तोड़ के एक जगह लिख लो, सब जगह कुछ भी यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन यूज होगा, आप जो आपको अच्छा लगे, जो सूट कर रहा हो क्वेश्चन में वैसा आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले एनर्जी के भी आ गए, बट मेन फॉर्मूला इज ई इज इक्वल टू पी इन टू टी, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए आप, तो एनर्जी के तीनों फॉर्मूला शॉर्ट करके ऐसे लिख लेना, ठीक है। पहला है वी इज इक्वल टू आई टी, दूसरा है आई स्क्वायर आर इन टू टी, और तीसरा है वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी। अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसे पूछता है एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, हीट एनर्जी निकालनी है, तो जो फॉर्मूला जैसा लगेगा आप बेस्ट के अकॉर्डिंग, जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलो, ठीक है, लास्ट पार्ट देखो इसका। पावर इनटू टाइम, ठीक है। नॉर्मली पावर हम जो लेते हैं तो वॉट और सेकंड ऐसे लेते हैं ना, वॉट सेकंड करके, बट जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो यूनिट थोड़ी बदल जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बच्चा आप पावर किस में लोगे, ये तो वॉट सेकंड तो नॉर्मल है, बट इलेक्ट्रिकल जब हम बिगर यूनिट्स की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके, जैसे आपने पढ़ा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज
किलो वॉट आवर, ठीक है, ये तो नॉर्मल वॉट सेकंड है, पावर इनटू टाइम। लेकिन जब आप उसको बिगर यूनिट्स में निकालोगे, कॉमर्शियल यूनिट में निकालोगे, जो आप घरों के बिजली के बिल देते हो मीटर में, तो आप पावर को किस में लोगे, किलो वॉट में लोगे, और टाइम को आवर में लोगे। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो बताऊंगी। अगर आपने वॉट और सेकंड में कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया कि आपको अपने घर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि घर का बिजली का बिल निकालना है, नाइन्थ में भी करा होगा ऐसे क्वेश्चन, तो हम इसको वॉट से किलो वॉट में चेंज कर देंगे और टाइम को आवर में कर देंगे। तो कॉमर्शियल ऐसा लिखो, मैं बताती हूँ, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लिया आप लोगों ने, इसकी एक डेफिनेशन लिख दो, रुक जाओ दो मिनट। लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखवा रही हूँ डेफिनेशन, लिख लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द गिवन टाइम, कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए गिवन टाइम। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर, ठीक है। एक और चीज लिखो, ऐसे लिखो, डिफाइन वन किलोवाट आवर, लिखो डिफाइन वन किलोवाट आवर, लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ रेटिंग, ऑफ रेटिंग वन किलोवाट, ऑफ रेटिंग वन किलोवाट एंड यूज्ड फॉर वन यूनिट, एंड यूज्ड फॉर वन यूनिट। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वन किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ रेटिंग वन किलोवाट एंड यूज्ड फॉर वन यूनिट, ठीक है। तो वन किलोवाट वन यूनिट कितना हुआ, वन यूनिट इज इक्वल टू वन किलोवाट आवर, नाइन्थ पढ़ा है ना, एक यूनिट को वन किलोवाट बोल देंगे, ठीक है। यही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने वो पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट एंड जूल्स वाला पे, 3.6 into 10 to the power 5, नाइन्थ में पढ़ा होगा। सेम यहाँ पे वही चेंजेस है, मैंने नाइन्थ में भी बताया था, टेंथ में आपको लास्ट पास में वही पढ़ना होता है, मैं दिखा देती हूँ, सेम ये वाला, ठीक है। ये जो आपने रिलेशनशिप नाइन्थ में पढ़ा था ना कि ऐसा कॉमर्शियल यूनिट, ये कॉमर्शियल यूनिट है जो घरों में यूज़ करते हैं बड़े पैमाने पे, और ये आपका नॉर्मल पावर वाला वो वाला यूनिट है, वॉट और सेकंड वाला। बस मैंने उसको वन किलो वॉट में 1000 वॉट, वन आवर में 3600 सेकंड, बस इसको सॉल्व करके 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ गया। ये रिलेशनशिप नाइन्थ का इसलिए नहीं बता रही, वहाँ आपने पढ़ा हुआ है ये पूरा का पूरा। तो ये हेडिंग लास्ट है ये बिल्कुल चैप्टर का, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड यूनिट ऑफ वर्क, ये लिख लीजिए। ये आता है भाई, ये नाइन्थ में भी पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है नाइन्थ के लेवल पे और इसमें। बाकी वन किलोवाट की डेफिनेशन आ जाती है, कॉमर्शियल यूनिट पूछता है कौन सी होती है एमसीक्यू में, तो ये सब आप देख लेना। बस यहाँ आपके चैप्टर खत्म। एक दो तीन चार पाँच 36 into 1 करके 10 to the power 5 कर दिया है।
अरे वो यूनिट लिखी हुई है वॉट सेकंड करके, वॉट सेकंड को क्या बोलते हैं भाई? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, इधर ले आओ उसको। W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होगा, पावर की ऐसा यूनिट वॉट और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, जूल में ही तो कन्वर्ट करना है। नहीं समझ में आया तो नाइन्थ खोल लेना, नाइन्थ से कॉपी भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। नहीं वो तो लिखवा दिया मैंने, सब कुछ करवा दिया उधर का, ठीक है। बस याद रखना घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किलो वॉट आवर पे आता है, ठीक है। चलो तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल और पावर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कुछ और तो बचा नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं बस, ठीक है जाओ।